उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि यहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मौत की साजिश रच डाली और प्रेमी के साथ फरार हो गई। लड़की के मुताबिक अपने पिता के तानों से तंग आकर लड़की ने ये कदम उठाया था। लड़की का बॉयफ्रेंड पेशे से टीचर है और दोनों की दोस्ती सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी। एक दूसरे से बात करते करते दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और एक ऐसा वक्त आया कि दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की कस्में खाने लगे। फिर दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, वो भी मौत की। से आइडिया आया आपके मन में? मैंने कोई आइडिया नहीं बनाया, जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया है। हम लोग चाहते हैं किसी के साथ रहना चाहते हैं, बस इसी बात की है। तरीका बहुत गलत है, लेकिन हम लोग बात आ रही है कि आपके पिताजी आपको प्रताड़ित करते थे। बस उनकी वजह से मैं थोड़ी परेशान थी कि उन्होंने मुझे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जो उन्होंने मुझे करेक्टर ले साबित किया हुआ था, बस यही सब दिमाग में चल रहा था और मैं रहना नहीं चाहती थी। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी लड़की के बॉयफ्रेंड ने साजिश रचने का ठिकरा अपनी प्रेमिका पर फोड़ दिया। उसने बताया कि आरोपी लड़की ने ही अपने पिता को व्हाट्सएप पर मुंह पर पट्टी बंधी तस्वीरें भेजी थी। पुलिस की माने तो लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने लिखवाई थी। उसी बीच लड़की ने अपने फुफेरे भाई से फोन पर संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत लोकेशन ट्रैक कर लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पुलिस कुछ इनके घर से भी कुछ क्लू मिले, फिर सर्विलांस की काफी मदद ली गई, इसी आधार पर एनालिसिस की गई। बाद में इनके एक सगे रिश्तेदार है, वो भी पूरी जानकारी जानता था। पुलिस को धीरे धीरे शक हुई, तो इन सारी कड़ियों को ही जोड़ के पुलिस ने संदेह दिया। दोनों बालिग हैं कि नाबालिग? दोनों बालिग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। लड़का बीटेक किया हुआ है, लड़की भी ग्रेजुएशन की गई, 22-23 साल उम्र दोनों। पता चला कितने सालों से इनका संबंध? अप्रैल 2018 से पहली बार ये संपर्क में आए थे, तभी से एक दूसरे से जान पहचान थी।